मैथमेटिक्स टॉपिक है हमारा ट्रायंगल्स। तो हमारी एक्सरसाइज आज है 6.4। यहाँ पे क्या है, इनइक्वालिटीज इन आवर ट्रायंगल्स। तो ये अपने ध्यान रखना है, इनइक्वालिटीज इन आवर ट्रायंगल मतलब किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइडें अनइक्वल होनी चाहिए तो जो बड़ी वाली साइड होगी, जो बड़ी वाली साइड होगी उसके अपोजिट वाला जो जो बड़ी वाली साइड होगी उसके जो अपोजिट वाला एंगल होगा वो भी क्या होगा, बड़ा। मतलब एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज लार्जर और ग्रेटर। मतलब जो साइड बड़ी वाली है उसके अपोजिट वाला जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, बड़ा। उल्टा भी, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज लार्जर और ग्रेटर। ये दो इनइक्वालिटी है, ये हमें थोड़ा माइंड में रखनी है। जैसे हमने पीछे की थी, जब भी दो एंगल्स इक्वल होते हैं ट्रायंगल के, जो अपोजिट साइड्स होती है वो भी क्या होती है, इक्वल। और जब भी दो साइड्स इक्वल होती है उनके अपोजिट वाले एंगल्स क्या थे, इक्वल। वो जैसे दो रिजल्ट्स थे वैसे ये यहाँ पे इनइक्वालिटीज हैं। मतलब जो एंगल बड़ी वाली साइड के अपोजिट में है वो भी बड़ा होगा, और जो साइड बड़े वाले एंगल्स के अपोजिट में है वो साइड भी क्या होगी, बड़ी। तो ये दो रिजल्ट ध्यान रखने हैं, तो ये हमें क्वेश्चन में काम आएंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.4 का। शो दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट साइड। जो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट, वो हमें शो करना है। तो हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ये आ गया 90 का एंगल आ गया बी पे। हाइपोटेन्यूज क्या होती है, 90 के सामने वाली साइड। मतलब ए सी क्या होगी, हमारी हाइपोटेन्यूज। तो ए सी को हमने दिखाना है ये क्या है, लॉन्गेस्ट साइड। तो ये रिजल्ट भी हमें लगाने हैं, गिवन अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 degrees, we have to show that AC is the longest side। हमें show करना है जो AC जो है वो longest side है, सबसे लंबी वाली side है, ये हमें show करना। Since angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degrees, sum of angles of a triangle is 180। ये हमारे पास रिजल्ट है, एक हमने पीछे थ्योरम भी की थी, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 degrees। तो एंगल B की वैल्यू लगा सकते हैं हम, एंगल B की वैल्यू है 90 degrees। तो इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 90 degrees। मतलब A प्लस C को करोगे कितना आ जाएगा, 90 degrees, और 90 किसके बराबर है, एंगल B के। मतलब A और जब C को प्लस करोगे वो एंगल B के बराबर आएगा। इसका मतलब एंगल A इज लेस देन एंगल B और एंगल C इज लेस देन एंगल B। एंगल A भी जो है एंगल B से छोटा होगा और एंगल C भी जो होगा एंगल B से छोटा होगा। दैट इज एंगल B इज द लार्जेस्ट एंगल। एंगल B जो है सबसे बड़ा एंगल है, सबसे बड़ा मतलब एंगल A और एंगल B दोनों से बड़ा है, ये लार्जेस्ट एंगल है। तो हमारे पास रिजल्ट है,
जो साइड लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट होगी वो क्या होगी, लार्जर। तो दिस इंप्लाइज बी के अपोजिट वाली साइड क्या है, ए सी। तो दिस इंप्लाइज ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड बिकॉज साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर। जो साइड बड़े वाले एंगल के अपोजिट में होती है वो भी क्या होती है, बड़ी। तो हमें यही शो करना था, दैट इज हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। हमारे पास एक ट्राइंगल थी, राइट एंगल ट्राइंगल, हमें दिखाना है जो हाइपोटेन्यूज क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। तो एंगल बी पे हमने 90 रख लिया, तो इसके अपोजिट वाली जो साइड है वो है ए सी, इसको हमने दिखाना है लॉन्गेस्ट। तो हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों का सम है 180, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, एंगल बी की वैल्यू निकाली। तो ए प्लस सी आ गया 180 माइनस 90, तो 90। ए प्लस सी की वैल्यू आ गई 90, और 90 किसके बराबर था, एंगल बी के। मतलब ए और प्लस बी दोनों को जोड़ेंगे तो 90 एंगल बी बनेगा। इसका मतलब एंगल ए जो है बी से छोटा है, और एंगल सी जो है वो भी एंगल बी से छोटा है। मतलब एंगल बी जो है सबसे बड़ा वाला एंगल। तो अगर एंगल बी सबसे बड़ा वाला एंगल है, उसके जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, सबसे बड़ी। तो उसके अपोजिट साइड क्या, हमारी हाइपोटेन्यूज। तो हमें यही शो करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है हमारे पास, इन फिगर, मतलब हमें डायग्राम दी हुई है साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एक्सटेंडेड टू पॉइंट्स P and Q respectively, also angle PBC is less than angle QCB. Show that AC is greater than AB. सॉल्यूशन। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन, हमें डायग्राम दी हुई है, डायग्राम ए बी सी। ये आ गया हमारी ए बी सी, एक ट्राइंगल जिसमें ए बी साइड को एक्सटेंड किया गया है पॉइंट पी तक। ये आ गया पॉइंट पी, और ए सी साइड को भी एक्सटेंड किया गया है क्यू पॉइंट तक। तो उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, एंगल पी बी सी, पी बी सी ये वाला एंगल इज लेस दैन एंगल क्यू सी बी। ये वाला एंगल इस एंगल से छोटा है, या फिर ये वाला एंगल इस एंगल से क्या है, बड़ा। तो हमें दिखाना क्या है, ए सी साइड जो है ए बी से क्या है, बड़ी। तो लिख सकते हैं हम, गिवन अ ट्रायंगल एबीसी इन विच एसी इज प्रोड्यूस्ड या एक्सटेंडेड टू पी और सॉरी एबी, यहां पे एसी इज प्रोड्यूस्ड टू क्यों, या एक्सटेंडेड टू क्यों, सच दैट एंगल पी बी सी इज लेस दैन एंगल क्यू सी बी। वी हैव टू शो दैट
ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, ये हमें शो करते हैं। तो हम लिख सकते हैं सिंस एंगल पी बी सी इज लेस देन एंगल क्यू सी बी। जो हमने पिछला एक यूनिट किया था उसमें हमने एक थ्योरम की थी, ये हमारी आगे ट्रायंगल, जब भी हम ट्रायंगल की कोई एक साइड आगे बढ़ाते हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं, जो एक्सटीरियर एंगल बनता है इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। मतलब जो एंगल फोर है वो किसके इक्वल आएगा, एंगल वन प्लस एंगल टू के। ये हमारे पास पीछे एक थ्योरम है, जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ये हमारा एंगल एक्सटीरियर एंगल है, तो ये किसके बराबर होगा, एंगल दिस प्लस एंगल दिस, एंगल ए प्लस एंगल सी इज लेस देन, ये भी हमारा एक्सटीरियर एंगल है तो ये हमारा अपोजिट एंगल से इसके कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल ए प्लस एंगल पी। रीजन आप लिख सकते हो बिकॉज इफ अ साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये हमारे पास पिछले चैप्टर में थ्योरम थी एक, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसके सम के बराबर होगा और ये जो एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों के एंगल्स के सम के बराबर होगा, ये एक्सटीरियर एंगल अपोजिट वाले एंगल्स के सम के बराबर होगा, ये एक्सटीरियर था अपोजिट वाले ये आगे। तो इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो एंगल सी इज लेस देन एंगल ए प्लस एंगल बी, ये एंगल ए प्लस का था, दूसरे साइड शिफ्ट करोगे तो माइनस, ये एंगल ए और ये एंगल ए कैंसल, तो आ गया एंगल सी इज देन एंगल बी। मतलब एंगल बी जो है एंगल सी से बड़ा है, तो एंगल बी अगर बड़ा है उसके जो अपोजिट वाली साइड है, एंगल बी जो है एंगल बी अदर वाली साइड है, ये बड़ा वाला एंगल है तो इसके अपोजिट वाली साइड है ए सी, तो वो भी बड़ी होगी, एंगल सी के अपोजिट में है ए बी, तो ए सी जो है ए बी से बड़ी होगी, तो यही हमें दिखाना था। ये हमने कौन सा रिजल्ट लगाया, ये वाला, तो आप लिख सकते हो इधर बिकॉज साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर, जो एंगल बड़ा होता है उसके अपोजिट वाली साइड भी क्या होती है, बड़ी, तो ये हमें दिखाना था। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। हमारे पास ट्राइंगल थी एबीसी, ए बी को एक्सटेंड किया था पॉइंट पी तक, ए सी को भी एक्सटेंड किया था क्यू तक, सच दैट ये जो एंगल बन रहा था इस एंगल से क्या था, छोटा, और ये क्या बन रहे थे, एक्सटीरियर एंगल। तो हमारे पास एक थ्योरम थी, जब भी हमारा एक्सटीरियर एंगल बनता है तो वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इसके इंटीरियर और अपोजिट वाले एंगल आगे ए और सी, इसके आगे ए और बी, सिंप्लीफाई किया एंगल ए कैंसिल हो गया, एंगल सी इज लेस देन एंगल बी, मतलब एंगल बी बड़ा है, अगर एंगल बी बड़ा है उसके अपोजिट वाली साइड है ए सी, ये भी बड़ी होगी किससे, ए बी से, तो यही हमें शो कर। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।